हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आपका टिक्की कोचिंग राइज 2 में आपका वेलकम करते हैं। आज हम आप लोगों को देखिए सेक्शन फार्मूला बताते हैं। क्या बताते हैं? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। देखिए सबसे पहले जानिए, देखिए इसको सेक्शन फार्मूला कहते हैं, सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप होते हैं। टू टाइप्स में देखिए कौन कौन है। नंबर एक अंतर है, या अंतर, अंतर को इंटरनली कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनली। ओके, देखिए इसको इंटरनली अंतर वाले में हमेशा प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। प्लस को हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसलिए x बार बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है कि नहीं? देखिए इसमें दो चीजें आपको हमेशा ध्यान देना होता है, x बार y बार, y बार बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, जहां m1 m2 क्या है? अंतर है, इंटरनली है। देखिए नंबर एक ये है, नंबर दो आपका क्या है? भ्रातः है। भ्रातः को एक्सटर्नली कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली देख में क्या होता है? खाली दोनों सूत्र एक जैसे रहते हैं, दोनों में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए दोस्तों, ब्रादर को एक्सटर्नली कहते हैं। एक्सटर्नली जो होती है x बार m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, y बार बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। देखिए जहां x1 y1 x2 y2 बिंदु है और m1 m2 अंतर और भ्रातः है। क्या है? अंतर और भ्रातः। ध्यान दीजिएगा, m1 m2 क्या है? अंतर और भ्रातः है। x1 y1 x2 और y2 क्या है? बिंदु है। बस इसी सूत्र को अगर आप याद कर लेते हैं तो अंतर भ्रातः आपको निकालना आ जाता है। अगर आपको ये सूत्र दोनों नहीं आते हैं तो आप अंतर भ्रातः है, सेक्टर फार्मूला आप याद नहीं कर पाते। अब सवाल कैसे आता है और कैसे लगाना है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, ओके। देखिए फटाफट उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। देखिए एकदम पूरे देखिए सवाल आप लोग देखिए फटाफट मिटा रहे हैं सब लोग, हो गया ना? चलिए ठीक है, पहले हम अंतर का सवाल आप लोग लगा दिखाते हैं, देखिए कैसे लगना है कैसे नहीं। मान लीजिए कोई सवाल है, अब इसे कोई सवाल है कैसे लगाना। देखिए इसमें आपको बिंदु देगा, जैसे मान लीजिए बिंदु आपको दिया कि बिंदु, देखिए बिंदु, ये देखिए क्वेश्चन नंबर एक, बिंदु कितना? 3, -4 व 5, -6 पर, ठीक है, अंतः बिंदु क्या है? अंतः, देखिए इसमें जो क्या है, अंतः, अंतः बिंदु आपको कितना दिया है कि 3:4 पर है। ठीक है, तो देखिए 3, -4 और 5, -6 पर अंतः बिंदु 3, -4 है, तो इस पे आप रख के बताइए। तो इस पे देखिए इस पे रख के आपको बताना है कि x बार और y बार के कितने मान होते हैं, यानी कि कितना मान होगा। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, देखिए जैसे 3, 4, देखिए हल कैसे करेंगे आप, वो चीज आप देखिए। हल 3, देखिए 4 है, तो यहाँ पे देखिए देखिए m1 ये m2 है, यानी m1 का मान आपका कितना दिया? 3 दिया है, और m2 का मान देखिए कितना दिया आपको? 4 दिया। सबसे पहले देखिए m1 m2 का निकाल लेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसमें देखिए m1 का मान देखिए 3 है, m2 का मान 4 है। ओके, तुम देखते हो। और देखिए दोस्तों, देखिए इसमें बिंदु कितना है आपका? देखिए बिंदु आपका देखिए 3, -4 है, 3, -4 है, और कितना है देखिए? 5, -6 है। देखिए 3, 4, 5, -6, पहले m1 m2 निकाल लेते हैं। देखिए जो अनुपात में होता है, जो अनुपात 3:4 है ना, तो ये पहला m1 देखिए आपका 3 हो गया, m2 आपका 4 हो गया। कहीं कहीं आपको m1 n1 दिया था, m1 और n1, तो m1 लो जहां n लो, दोनों एक ही चीज होता। अब देखिए इसमें आपका देखिए जो ये है x1 कितना देखिए? 3 है। ये देखिए y1 जैसे पीछे आप लोग लगाती है उसी तरह देखिए आपका ये भी है m1, देखिए x1 y1, ये देखिए क्या है? x2, ठीक है, ये कितना है? ये देखिए y2 है। बस ऐसे ही अब मान रखिए, किसमें? इस वाले फॉर्मूले में देखिए मान रखिए x बार बराबर
बटे क्या है यम वन प्लस यम टू। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके अब इसी में फॉर्मूले में देखिए मान रहे सब लोग बताइए देखिए कितना कितना है। बताइए यम वन का मान कितना है, यम वन का मान देखिए 3 है, यहाँ 3 हो गया, गुणे यक्स टू का मान देखिए इसमें कितना है, समझ में आ रहा है ना, यक्स टू का मान देखिए 5, यहाँ देखिए 5 हो गया, समझ के लिए तो ध्यान से देखो तब तभी आएगा तब, ये कितना हो गया 5 हो गया। फिर देखिए यम टू प्लस करिए, यम टू का मान देखिए कितना है, यम टू देखिए 4 है, यहाँ 4 हो गया। फिर देखिए गुणे करिए, फिर यम टू के बाद यक्स वन आपका कितना है 3 है, देखिए यहाँ 3 हो गया। खाली एक सवाल बताएंगे, देखिए सबको बता दे, एक सवाल से आपको सभी करना है। ओके अब यम वन एम टू कितना है, ये देखिए नीचे 3 प्लस 4 हो जाएगा। ओके अब देखिए यक्स बार बराबर आपके पास 3 × 5 = 15 प्लस 4 × 3 = 12 नीचे 4 × 3 = 7 हो गया। तो 15 × 12 का जोड़ दीजिए, यक्स बार बराबर 15 × 12 कितना हो गया 27, 27/7 देखिए एक यक्स बार का आंसर आ गया। ओके कि नहीं हुँ? अब देखिए इसी तरह आप दूसरा भी मान निकालिए, वाई बार का मान निकालिए कितना, देखिए वाई बार ये इसका वाई बार का भी मान निकालिए, वाई बार बार देखिए यम वन कितना है, देखिए 3 है, तो 3 गुणे सूत्र लिख देंगे समझ जाओगे, देखिए सूत्र पर लिख देगा नहीं समझ मार आपको, देखिए सूत्र भी लिख देते हैं, देखिए वाई बार का सूत्र ये है, वाई बार बराबर यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन बटे यम वन प्लस यम टू। देखिए वाई बार क्या है ना, इसी तरह आपको ये जब अंत कहेगा तो आप ये सूत्र लगाएगा, बराबर वाला कहेगा तो माइनस का सूत्र लगाएगा, दोनों चीज को ध्यान देना है। ओके बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, देखिए अब वाई बार को यहाँ रख के मान रख, इसमें मान रखिए, बताइए बेटा यमोन का मान कितना है, यमोन कितना है 3 है, यहाँ 3 रखिए गुड़े। अब देखिए वाई टू कितना है, इसमें देखिए बस यही चीज देखना है, यमोन यम इसमें से रख के उसी मान हल कर देना है, तो वाई टू आपका कितना है -6, ये -6 हो गया। फिर देखिए प्लस यम टू कितना है 4 है, यहाँ 4 हो गया गुड़े, वाई वन कितना है -4 है, ये -4 हो गया। नीचे आपका क्या हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा आपको बताइए, नीचे आपका 3 + 4 हो जाएगा, 3 + 4 समझते हैं, देखिए m1 + m2 थी, m1 प्लस दोनों को जोड़ देना 3 + 4। अब इसको हल करिए, y बार बराबर 3 × 18 -18 4 × 4 = 16 4 × 3 = 7 ठीक है, तो y बार बराबर 18 16 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 × 6 = 14 हाथ में -1 1 2 3 -34 -34 + 7 देखिए अंतर आपका आ गया, देखिए x बार y बार का आंसर आ गया। ठीक है तो आपको कितने कितना आ गया फाइनली, तो देखिए आपका आ जाएगा कितना 27/7 / -34/7 देखिए ये आंसर है आपका। ओके कि नहीं, देखिए दिखाई दे रहा, चलिए ठीक है। अगर इसी में देखिए इसी सूत्र को ध्यान देखिए, अगर अंतर के स्थान पर बराबर कहेगा सिर्फ माइनस हो जाएगा, यहाँ जो आप प्लस लगाई है प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा। ओके कि नहीं नहीं समझ में आया, आपको इतने खाली करना, देखिए अंत वाले में देखिए जो सूत्र देखिए लिखी है, अंत वाले में प्लस होता है और बराबर वाले में माइनस होता है, इतने आपको ध्यान देना है। ऐसे ही सवाल आपको दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस करिए, इसको मिटा ले चलिए मिटा के अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, आप बस इसी तरह बहुत कठिन नहीं बहुत सवालों को हल करते हुए आप निकल जाइए। एक बराबर भी लगा दें नहीं यार, चलिए ठीक है बराबर बता देते हैं चलिए बराबर बता रहे हैं आपको, देखिए बराबर वाला जो मान लीजिए बराबर पूछ रहा है बराबर है, तो बराबर वाले कैसे लगाएंगे, देखिए अगर मान लीजिए आपको यम वन जैसे आपको दे दिया 2 / 3 जैसे 5 / 4 मान लीजिए 5 / 4 तो इसमें यम वन के यम टू का मान कितना बताइए, यम वन का मान कितना है, यम वन का मान देखिए 5 है ठीक है, यम टू का मान कितना वैल्यू बताइए 4 नहीं समझ पा रहे क्या, यम वन का मान देखिए 5 है समझ मारा है नहीं, तब पहले चलिए ठीक है कोई बात नहीं।
देखिए ब्राते में जगह यम यम देखिए इस तरह का आता है यम अनुपाते चार, तो यम1 का मान देखिए 5 है, यम2 का मान 4 है। आपको फिर देखिए सिर्फ दो बिंदु आपको मिलेंगे, 4, 5। देखिए -4, -5 का इधर कितना रहेगा, -2, -3 रहेंगे, ठीक है कि नहीं। अब इतना आप तो जानते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। कठिन लग रहा है, सही है ना? देखिए अब यहाँ भ्रात्य का जो सूत्र रहेगा, तो आप इस तरह सूत्र लिखिए पहले, या तो क्या हो जाएगा, यम1 x2 माइनस, ठीक है, यम1 देखिए x2 माइनस यम2 x1 बटे यम1 माइनस यम2। बस इतने ही आपको करना है, खाली प्लस और माइनस का खेल है। अब ऐसे इसका दूसरा भी निकाल लीजिए, पहले एक एक हल कर लीजिए। यक्स बार बराबर यमन का मान कितना है, यानी 5 है, गुणे यक्स 2 की मान देखिए कितना है, -2 है, -2 माइनस यम 2 का मान कितना है, 4 है, यक्स 1 का मान देखिए कितना है, -4 है। समझ आ रहा भाई? हाँ, ओके। और नीचे देखिए आपका क्या है, यमन माइनस यम 2, तो 5 माइनस देखिए 4, अगर अंत्य करते थे यहाँ से प्लस हो जाता, तो ये जुड़ जाते यहाँ प्लस हो जाता, लेकिन ये बराबर कर रहा है, तो यक्स बार बराबर 5 × -10, और देखिए 4 × 4 माइनस, देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 4 × 4 16, 5 × 4 = 1, तो यक्स बार बार बराबर देखिए 16 में से 10 जाएगा 6, देखिए इसका निकल गया। वाई बार निकालिए, वाई बार इसका निकालते हैं, तो क्या होगा, देखिए yM1 y2 - yM2 y1 बटे yM1 माइनस, देखिए यम टू, देखिए सफा दिखाई दे रहा सबको ना, सफा, चलिए ओके ठीक है। अब इसको देखिए यम टू कितना बनी, देखिए 5 है, 5 × y2 कितना बनी, देखिए बताइए y2 आपका कितना है, देखिए 3 है। बस यहाँ मान उठा के पुट कर एकदम, माइनस प्लस का बहुत विशेष ध्यान देना है, अगर माइनस प्लस का विशेष ध्यान नहीं रहेगा तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। गर्मी ज्यादा लग रही है क्या? ठीक है, ठीक है, देखिए 5 × 3 माइनस यम टू कितना है, यम टू देखिए 4 है, 4 हो गया, गुणे वाई वन देखिए कितना है, 5 हो गया, देखिए 5 हो गया, नीचे कितना हो गया, 5 − 4 हो गया, ठीक है। वाई बार, वाई बार देखिए तो 5 × 3 = 15, 4 × 5 = 20, नीचे देखिए 1 हो गया, तो वाई बार बराबर देखिए 20 में से 15 निकालेंगे, -5, 1 का कोई वैल्यू नहीं। तो आपके जो जो प्रातः बिंदु आए, देखिए प्रातः बिंदु, ठीक है, प्रातः बिंदु कितना आ गया आपके, प्रातः बिंदु देखिए 6 − -5, देखिए ये आपको आपको बताना था कि आपको आया कि नहीं, देखिए आपको आ गया ना, ओके बताइए सुबह फटाफट, अगर आ गया हो तो आगे बढ़े, आ गया किसी कोई प्रॉब्लम। अब इसी तरह हम आपको 10 क्वेश्चन आपको देते हैं, आप घर से लगा के लाइए, देखिए बस आपको बस इतना चीज ध्यान है कि x1 y1 x2 y2, जहाँ x1 y1 है, यम1 यम2 है, आपको करके निकाल के चेक करना है और लगाना है, ओके। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए सफा रहा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग ऐसे ही लगाइए, चलिए फटाफट क्वेश्चन लिखिए सब में, देखिए क्वेश्चन 10 जो देंगे उसका अंतर प्रातः सब दोनों निकालिएगा, क्या निकालना है, अंतः प्रातः दोनों सूत्र पर रख के निकालिएगा। देखिए देखिए मैं बता दे रहा हूं, अंतः भी निकालना आपको है, आप इससे प्रैक्टिस कर लेंगे, अंतः और प्रातः, अंतः और प्रातः, अंतः प्रातः दोनों सूत्र पर रख के आप प्रैक्टिस करिए, दोनों सूत्र पर, देखिए दोनों सूत्र पर आपको रखना है, दोनों सूत्र पर, ताकि आपको अच्छी तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, देखिए 10 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए। दोस्तों अंतः प्रातः में जो पहला है, यहां ले लीजिए 3, देखिए 3, 2 ले लीजिए, इसमें ले लीजिए 4, इसमें क्या रहेगा 7, 7, 4 हो गया, इसमें लीजिए -5, 5 अनुपाते कितना रहेगा -9, इसमें लीजिए -3, -9, इसमें देखिए -6, 7, इसमें लीजिए -8,
इसमें लीजिए माइनस नौ कामा दुई, इसमें लीजिए माइनस आठ कामा पंद्रह, इसमें लीजिए माइनस पंद्रह कामा माइनस तेरह। देखिए इतना दिखाई दे रहा, देखिए क्लियर है ओके दिखाई दे रहा है ना। चलिए घबराए मतलब ये बिंदु लिख रहे हैं इसमें माइनस तेरह कामा, देखिए ठीक है। अब इसमें बिंदु भरिए, देखिए बिंदु आपका जो रहेगा, देखिए बिंदु आपका क्या है, बिंदु है, देखिए बिंदु जो है आपको हम भर देते हैं, बिंदु है माइनस तीन कामा चार माइनस पांच कामा सात, एक हो गया। देखिए दूसरा देखिए बिंदु क्या है, माइनस सात कामा छह माइनस नौ कामा आठ। देखिए तीसरे बिंदु क्या है, देखिए आप बिंदु लिखते जाइएगा, माइनस आठ कामा सात माइनस नौ कामा छह। चौथे वाले बढ़िया, देखिए बिंदु क्या है, माइनस दस कामा माइनस दुई माइनस चार कामा माइनस छह। अगले वाले बिंदु भरिए, इसमें है तीन माइनस तीन कामा माइनस दुई, और इसमें क्या माइनस दस कामा छब्बीस। इसमें वाले भरिए, देखिए बिंदु क्या है, माइनस दुई कामा माइनस पांच, और इसमें क्या है छह कामा माइनस चार। इसमें देखिए बिंदु आप लगाइए, इसमें दो कामा माइनस पांच, और क्या है माइनस नौ कामा छह। इसमें बिंदु भरिए, इसमें रहेगा माइनस नौ कामा आठ, और इसमें रहेगा माइनस तीन कामा वन। इसमें वाले बिंदु भरिए, इसमें माइनस देखिए माइनस तीन कामा दुई माइनस चार कामा आठ। एक क्वेश्चन को और देना है, उसके बाद आपको देखिए ये पूरा हो जाएगा। देखिए सभी बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अगर नहीं दिखाई दे तो आप हमको बताइएगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपको दिखाई दे। देखिए एक क्वेश्चन हमको और लिखना है नीचे, इसके जाते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर दस, देखिए दस कहते हैं दस तो बस, इसमें लिए बिंदु रहेगा आपका आठ कामा बारह, सब यहाँ अनुपाते लगा दीजिए। देखिए अनुपाते रहेगा ये, देखिए इसको अनुपाते लगा दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर अनुपाते लगा लीजिए, हमने कामा गलती लगा दिया, यहाँ पर सब अनुपाते रहेगा, सब देखो सब अनुपाते लगा लीजिए, एकदम सब अनुपाते लगा दीजिए, सब अनुपाते, ठीक है, अनुपात में रहता है, अनुपात ही आपको विभाजित करता है। आठ कामा माइनस देखिए हम बारह कह दीजिए, और इसकी दो जितनी की बिंदु जो इसकी है वो कितना है, देखिए ले लीजिए चार कामा छः, और इधर रहेगा जीरो कामा माइनस आठ। देखिए दस क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस के सेट में दे दिया, कितने क्वेश्चन, दस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के सेट में दे दिए, आप दसों को करिए, उसके बाद हमको हो गया जी। देखिए दस क्वेश्चन हो गया, इसको अंत्य और प्रांत्य दोनों सूत्र पर रखना है, क्योंकि अंत्य अंत्य वाले में आपको प्लस करना है और प्रांत्य वाले में आपको माइनस करना है। ओके क्लियर, देखिए हैं आप लोग इसको करके, देखिए आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को भेजिए, तो हम आपको बताएंगे कौन सा सही कौन सा गलत। अगर आपको नहीं है समझ में आ रहा फिर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम आपको इसको प्रयास करेंगे आपको फिर से बताने को। ओके आप लोग पहले इसको लगाइए, अभ्यास करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, तब कोई बात नहीं। थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।